Assalamualaikum friends, please subscribe to our channel Only Foodie and for latest updates, please click the bell icon. Assalamualaikum viewers, मैं निदा and welcome to my channel Only Foodie. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बनाने के लिए crispy भिंडी. यूजली ये होता है कि हम घर में भिंडी बनाते हैं तो बड़े तो शौक से खाते ही हैं लेकिन बच्चे शौक से नहीं खाते. तो आज जिस तरीके से मैं आपको भिंडी बनाना सिखाऊंगी, आई एम श्योर कि बच्चे भी बहुत शौक से इसको खाएंगे. तो आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए वो नोट डाउन कर लें. मैंने तकरीबन 200 ग्राम ली है भिंडी और भिंडी को हमने दो हिस्सों में इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है, जिसका तरीका मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से आप भिंडी को पकड़ के सेंटर में से आप इसको कट लगाएं और पूरा ये कट नीचे तक ले आए और ये इस तरह इसके दो हिस्से कर लें. सिर्फ आपने नीचे से इसकी थोड़ी सी चोंच काटनी है, ऊपर से टॉप इसकी कट करनी है और फिर इसको सेंटर में से कट लगा देना है और इस तरीके से आपने इसके दो हिस्से कर लेने हैं. तो हमने अपनी सारी भिंडी को इस तरह से जो है दो दो हिस्से कर लिए हैं. एक हमें चाहिए होगा लीमू, हाफ टी स्पून हमें चाहिए होगा नमक, हाफ टी स्पून हम लेंगे सूखा धनिया, हाफ टी स्पून हमें चाहिए होगी हल्दी पाउडर, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और हल्दी का फ्लेवर भी अच्छा आता है. हाफ टी स्पून ही हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर और दो टी स्पून हमें चाहिए होगी भर के कॉर्नफ्लावर. तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ. सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उस बोल के अंदर जो है हम भिंडी जो है वो सारी भिंडी डालने के बाद हम इसके अंदर जो है सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, ये सब चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे और एंड पे हम इसके अंदर जो है लीमू का रस डालेंगे. थोड़ा सा भी, आधा लीमू आप इसके अंदर निचोड़ें. अगर आपके पास लीमू अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर सिरका भी डाल सकते हैं. आधा लीमू डालने के बाद हम इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लावर डालेंगे और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इसके अंदर जो बाकी का लेमन है वो भी इसके अंदर हम इसका रस अच्छे से डाल देंगे. लेमन स्क्वीज़ करने के बाद हम इसको अच्छे से जो है मसाले को इसमें मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी भिंडी है उस पर अच्छी तरह से जो है ये सारा मसाला जो है वो लेप हो जाए. अगर आपको जो है थोड़ा सा कम लगे कि गीलापन इसमें कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, बिल्कुल ज़रा सा हाथ से ग्रेजुअली डालें ताकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं लग जाए इस पर. तो इस तरह से आप इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लें कि भिंडी जो है हमारी अच्छी से कोट हो गई है और सारी भिंडियों पे अच्छी तरह से मसाला लग गया है. आप नीचे से भिंडी निकालें, अगर किसी पे नहीं मसाला लगा तो उस पर हाथ से उसको पकड़ के इस तरह से उस पर जो है मसाला लगा दें और आप देखें कि नीचे बेस के अंदर कोई मसाला ना रह जाए. तो ये देख लें, आप देख सकते हैं कि पूरा मसाला जो है वो भिंडियों के ऊपर लग गया है और नीचे प्याले में जो है कोई भी मसाला नहीं बचा हुआ. तो अब हम इसको फ्राई करेंगे. ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बाकी की जो भिंडी है वो भी डाल देंगे फ्राइंग के लिए. भिंडी जो है वो हमारी फ्राई हो रही है. आपने फ्राइंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं हिलाने, इससे कोटिंग उतर सकती है. तो आप ये देख सकते हैं कि एक साइड इसकी फ्राई हो गई है, तो एहतियात से इसको पलट दें दूसरी साइड को. भिंडी जो है वो हमारी पूरे तरीके से फ्राई हो चुकी है. अब इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ. क्रिस्पी भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार है. उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी हमारी अच्छी लगी होगी. मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है. जब ये थोड़ी गर्म हो तो आप इसको हल्का हल्का फैला दें और जैसे ये ठंडी होगी तो ये क्रिस्पी हो जाएगी. तो आपको ये मैं दिखाती हूँ एक, ये देखें आप, ये आपको आवाज़ से आइडिया हुआ हो गया होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है. ये देखिएगा, ये तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बिल्कुल चिप्स की तरह. इसको बड़े तो शौक से खाएंगे ही, मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे भी बहुत शौक से इसको खाएंगे. तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें. और तब तक और हमारे चैनल ओनली फूडी को सब्सक्राइब करिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ.